QRNG चिप ये है क्या, ये काम कैसे करता है, ये कितना ज़्यादा सिक्योर है एंड ये हम लोग के लिए बेनिफिशियल कैसे है, तो ये सारा सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में, चलो वीडियो शुरू करते हैं। QRNG चिप ये है क्या, तो देखो जैसे सैमसंग नॉक्स है ना, वैसे ही ये है QRNG चिप, जो कि एक सिक्योरिटी चिप है। मतलब भाई देखो, सिक्योरिटी तो सबको चाहिए, हम लोग भी अपना घर को सिक्योर रखते हैं ताकि कोई चोर आके उसको चोरी नहीं कर ले, वैसे ही हम लोग का डेटा को हार्डवेयर लेवल पे सिक्योर रखने के लिए ये बनाया गया है। अब आप बोलोगे भाई नॉक्स तो पहले से, QRNG चिप क्यों चाहिए, तो देखो नॉक्स तो है पहले से, पर खुद सोचो अगर एक और कॉम्पिटिटर आ जाता है तो कितना ज़्यादा फायदा होगा। ये दोनों के कॉम्पिटिशन के चक्कर में, मतलब किसमें ये लगेगा उसके चक्कर में हम लोग को ज़्यादा अच्छा सिक्योरिटी मिल सकता है, तो इसलिए। एंड ये QRNG चिप डेवलप किया गया क्वांटिक नाम की कंपनी के द्वारा, और इसका फुल फॉर्म है क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये पता है, बहुत ज़्यादा छोटा चिप है, मतलब 2.5 mm², तो अभी तक जितना भी सिक्योरिटी चिप है ना, वैसे तो चार ही है, पर वो चारों के मुकाबले ये सबसे ज़्यादा छोटा चिप है। तो सोच सकते हैं कितना ज़्यादा कमाल होने वाला है, सब कुछ बात करेंगे कितना ज़्यादा सिक्योर है। तो चलो शुरू करते हैं। तो QRNG चिप करता क्या है, तो देखो जैसा हम पहले बताएं ये एक सिक्योरिटी चिप है, तो ऑब्वियस बात है ये सिक्योरिटी का ही काम करेगा। तो देखो ये ना एक रैंडम नंबर जनरेट करता है, मतलब एक ऐसा नंबर जो कि कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, जिसको गेस नहीं किया जा सकता है, वैसे ये नंबर जनरेट करता है। एंड ये यूज़ करता है LED एंड CMOS सेंसर, ये दोनों का हेल्प से ये काम ये करता है। और जितना भी फ़ोन में ऐप्स होता है जिसमें एंड्रॉयड कीस्टोन का सपोर्ट है, वो सारा के सारा ऐप्स के साथ ये ऑटोमेटिकली काम करता है, मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं एंड्रॉयड कीस्टोन किस बला का नाम है भाई। सो एंड्रॉयड कीस्टोन ये एक्चुअली एक सिस्टम है जो कि आपका जो भी क्रिप्टोग्राफिक्स कीज रहता है, मतलब जैसे आपका पासवर्ड हो गया, कोई पिन हो गया, ये सारा चीज़ को वो अपने अंदर सिक्योर रखता है। एंड इसका सिक्योरिटी कुछ अच्छा लेवल का है, मतलब बता रहे हैं हम, जैसे कि कोई भी चीज़ इसके अंदर जो सिक्योर है उसको आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, मतलब उसको आपके डिवाइस से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। तो इसी के वजह से जो QRNG चिप है ना, वो इसके साथ काम करता है, क्योंकि देखो दोनों अगर एक ही तरह से काम कर रहा है तो ज़्यादा अच्छा सिक्योरिटी मिलेगा, तो यही कारण है। एंड अभी बात करते हैं भाई सिक्योरिटी कर रहे हैं तो ये कितना ज़्यादा सिक्योर है, ये हैक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सब बात करते हैं। सो देखो ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर की है, मतलब इसको हैक करना ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के क्लोज है। बताते हैं, देखो जो ये चिप है ना, ये सिर्फ तभी हैक किया जा सकता है जब जो हैकर उसके पास उस डिवाइस का फिजिकल एक्सेस हो। मतलब मान लो ये चिप आपके फ़ोन में लगा हुआ है, तो सिर्फ इसको तब हैक किया जा सकता है जब उसके पास आपका एक्चुअल फ़ोन हो, तभी इसको हैक किया जा सकता है। एंड ऐसा तो है नहीं कि आप कोई हैकर को अपना फ़ोन दे दोगे, तो इसलिए। एंड इसी की वजह से हम बोलते हैं गूगल का यूज़ करो फीचर्स, मतलब उसमें जो फाइंड माई डिवाइस होता है उसमें मान लो कुछ हो नहीं, पर अगर आपका फ़ोन कभी चोरी हो जाता है तो आप उससे अपना जितना भी डेटा है ना, उस सबको आप इरेज कर पाओगे, तो उससे भी हैक नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा बात है, ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर लेवल का चिप है, तो हाँ ये बहुत अच्छा बात है। अब बात करते हैं ये कैसे हम लोग के लिए बेनिफिशियल है, मतलब देखो वो सब कुछ ठीक है भाई, पर हम लोग का तो फ़ायदा होना चाहिए ना इसमें, तो हम बताते हैं। तो देखो जो ये QRNG चिप है ना, ये हम लोग को जो कार्ड्स होता है, मतलब जो सैमसंग का क्रेडिट कार्ड आने वाला है उसमें आने वाला है, जो सैमसंग का फ़ोन आ चुका है सैमसंग गैलेक्सी क्वांटम 2 AKA गैलेक्सी A82, हाँ पर 82 में इसका आने का चांस कम है, क्योंकि जो सैमसंग है ना वो बैंक्स का हेल्प ले रहा है इसको जनरेट करने, मतलब इसको अच्छा से डेवलप करने में। एंड ये कोरियन बैंक है, इंडियन बैंक नहीं है, तो भाई आप समझ ही सकते हो इंडियन बैंक नहीं है तो क्या ज़रूरत है इंडियन बैंक में इसको होने का, तो इसलिए अभी फ़िलहाल के लिए तो ये इंडियन बैंक्स में नहीं आएगा, मतलब इंडिया में ये नहीं आने वाला, पर हाँ बहुत जल्द ये इंडिया में भी आएगा एंड इंडिया में भी इसका यूज़ होने वाला है, तो नॉक्स का अच्छा खासा कॉम्पिटिटर हो जाएगा एंड हम लोग को अच्छा सा प्यारा सा सिक्योरिटी मिल जाएगा, हम लोग का डिवाइस सिक्योर रहेगा, कोई टेंशन नहीं होगा। एंड हो सकता है एकदम पिंच ऑफ सॉल्ट लेना कि ये जो रेडमी रियलमी ये सब जो डिवाइसेस हैं इसमें भी इसको यूज़ किया जा सकता है, 100% गारंटी नहीं है, बहुत कम चांस है, पर हाँ चांस तो है भाई। तो अगर ऐसा होता है तो वो जो चाइना वाला प्रॉब्लम है हम लोग का कि इसमें वैसा सिक्योरिटी नहीं है, तो उसमें हम लोग थोड़ा ध्यान कम जाएगा, क्योंकि ये चीज बहुत ज़्यादा सिक्योर होने वाला है। तो हाँ इतना ही था इसके बारे में। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जाकर चैनल सब्सक्राइब कर दो, मेरा एक और चैनल है गेमिंग चैनल, उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको देखना है कि आप अपने फ़ोन में बिना बबल्स के कैसे UV स्क्रीन प्रिंटर इंस्टॉल कर सकते हो, तो उस वीडियो का हम एंड स्क्रीन में दे देंगे आपको,
कार्ड, उसको जाके जरूर से देख लेना, बहुत हेल्प करेगा वो वीडियो आपको। एंड यस, इतना ही था। फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, फॉलो इंस्टाग्राम पे करना MDT की टेक, एंड लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।